एवरीवन, एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे जो हो जाए हमें पास करना ही करना है। इस मकसद से हमने फॉर्म भी भरा है, लेकिन क्या आपको पता है एक अच्छी खासी संख्या फॉर्म भरने वालों की एक तो होती है कि कुछ लोग तो फॉर्म ही भर देते हैं, एग्जाम में बैठते ही नहीं है, जहां पे काउंट नहीं होता अटेम्प्ट वहां भी नहीं बैठते, यूपीएससी को तो छोड़ दीजिए। और दूसरा, उसमें से आप भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि जिसका एग्जाम नजदीक आने वाला है, काफी क्लोज एग्जाम है, एकदम होना ही होना है, और उसकी स्थिति ऐसी है कि 5 महीने एक्स्ट्रा आप टाइम मिले तभी जाके कुछ हो सकता है, इस एग्जाम में अभी 10 दिन 20 दिन पढ़ के कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए, अगर आप भी उसी कंडीशन में है और आपको लग रहा है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्या ये हो सकता है? बड़ी एक गंभीर मुद्दा है। एक बात बताऊं, सही में बताऊं तो हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे हैं, मतलब बहुत संख्या है इनके, जो सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो फेल करने वाले हैं, बस इतना ही अंतर है। रिजल्ट के डेट को छोड़ दीजिए, मतलब जब एग्जाम देना है ना, उस दिन के पहले तक वो फेल कर रहे हैं, ये उनको ही पता है। वो फेल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे पढ़ाई नहीं की, वो फेल कर रहे हैं वो उनको पता है, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते, इतना ही अंतर है। और जिस दिन एग्जाम देते हैं उस दिन समझ में आ जाता है, उसके बाद भी कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर या कुछ ऐसा होता है, उसके कारण वो रिजल्ट का इंतजार करते हैं और उस दिन फाइनल पता चल जाता है कि फेल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हमको पता ही है कि हम फेल कर रहे हैं, 100% ये मतलब पता होता है, बट हम अपने आप को उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हो सकता है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूं, अभी मैं बता रहा हूं और भी क्लियर हो जाएगी आपको चीजें। जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मान लो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने एक छोटी सी कोई किताब उठाई, 2 किताब उठाई 3 किताब उठाई, आप पढ़ रहे हैं, आपको चीजें याद नहीं भी हो रही है, कुछ याद हो रही है कुछ नहीं भी हो रही है, बड़े ही मिनिमम रिसोर्सेस के साथ आप पढ़ रहे हो, आपके पास हो सकता है, बट आप इतने से एग्जाम निकालना चाहते हैं। सोचिए, आप कहीं ना कहीं कोई मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं या कहीं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, 40-50-60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 70 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, जो कठिन नहीं है, महीनों से यही चल रहा है, थोड़े समय से नहीं, महीनों से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, और आपको पता है ना कि आपको भी पता है कि ये जो 1 2 3 किताब है इससे एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर भी आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है। आपको पता है कि कोई भी आपने टेस्ट लगाया या आपने प्रीवियस ईयर कोई सॉल्व किया, आपके पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यह भी आपको पता है, और वो भी आप करते ही जा रहे हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए कि आप करते जा रहे, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आप पढ़ते जा रहे हैं और आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना आपके पास है उतना पढ़ भी लोगे तब भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, यह भी एक तय बात। कई बार आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड के नहीं होते, या तो बहुत ऊपर के होते हैं या बहुत नीचे के होते हैं, उस एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, और आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। समझिए इसको, बहुत ही गंभीर बात है ये, और आप समझ भी रहे हैं यार ये तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा। अब मान लो कि बहुत ऊपर का है, उसका भी कोई फायदा नहीं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत ऊपर जाके क्या करोगे, यूपीएससी का पेपर आप यूपीएससी के लिए क्यों सॉल्व करेंगे? और बहुत नीचे का अगर हो गया, मान लो कांस्टेबल रैंक का पेपर है और आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी आपके काम का नहीं, क्योंकि उसमें इधर उधर से फैक्ट पूछे जाते हैं जो आयोग नहीं पूछेगी आपसे, लेकिन आप तब भी कर रहे हैं। और आपको पता है इतने से नहीं होगा, समस्या यह है कि आपको पता है इतने से नहीं होगा और आप तब भी किए जा रहे हैं। तो ये तो आपको पता है ना कि इतने से नहीं होना है, फिर भी हम कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और जो साल है
वो हम बर्बाद कर रहे हैं, ये तो तय बात है। या तो हो सकता है कि सोसाइटी के प्रेशर के कारण ऐसा आप कर रहे हो, या आपकी उतनी साइकोलॉजिकल मतलब उस लेवल पे आपको खुद की पहचान ना हो, ये भी संभव हो सकता है कि आपको खुद के खुद मतलब खुद उस लेवल पे आपको आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, ये भी एक संभव है, संभावना है। और अच्छा खासा समय निकल जाता है। आपके आसपास भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, एक नहीं कई सारे, कई सारे होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का किताब फाड़ दिया गया किसी स्टूडेंट्स के द्वारा। देखो कोचिंग का कुछ नहीं हो सकता, उसको फायदा ही होना है, मेरा हो या किसी का हो, जो बात है सो बात है। अभी हुआ क्या, मतलब आप सोचिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट, एक नहीं। और हमारा तो रोज का सामना होता है ऐसे छात्रों से, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। मतलब चार चार साल से पढ़ रहे हैं, पांच पांच साल से पढ़ रहे हैं, आप सोचिए, मकसद अभी भी प्रीलिम्स से ऊपर का उठा ही नहीं है, मकसद अभी भी प्रीलिम्स से ऊपर का नहीं उठा है। प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करना एक मकसद है, जैसे प्रीलिम्स इज इक्वल टू सक्सेस, यानी आपने प्रीलिम्स पास किया नहीं कि आप सफल हो गए, हो गया। दूसरा, चार पांच साल हो गया है, आखिर पतली पतली जो लुसेंट टाइप किताब होती है, करंट अफेयर्स स्पीडी जैसी होती है, आखिर पांच साल से उसमें क्या पढ़ रहे हो जो उसको पार नहीं कर पा रहे। या कोई इस तरह का आपने कोई गाइड खरीद लिया 500 पेज का, 1000 पेज का ही मान लो हम गाइड, आपने गाइड खरीद लिया मान लेते हैं, कहीं से वन लाइनर फैक्ट से किताब खरीद ली, आखिर चार साल पांच साल से उसके अंदर क्या ढूंढ रहे हो जो नहीं मिला दो साल में। दो साल में आपको, एक साल छह महीने में मिलना चाहिए, इन दो साल में आपको ऐसा क्या बच गया जो आपको अगले पांच साल तक पढ़ना पड़ रहा है। और अगर आपने दो साल तक उसको कर लिया, आगे बढ़ने से किसने रोका है। अब तब भी अगर आपने दो साल तक उस किताब, सोचो एक बार, ऐसे बहुत हैं यार, बहुत हैं, मतलब दो साल तक आपने उसको पढ़ लिया, चार साल तक पढ़ लिया और आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ये आप भी जान रहे हो, तो आपने क्या उससे एक्स्ट्रा करने की कोशिश की कभी? तो इसका जवाब होगा नहीं। और किसी कोई कहेगा कि हां, तो ये अधूरी कोशिश होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हो जिस लेवल पे, किसी भी एग्जाम के जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप वहां पे अच्छा कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि आप अगर कांस्टेबल या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि एक ही पर्टिकुलर किताब को पढ़ के पास करें। आयोग ने क्वेश्चन फॉर्म बदल दिया फिर क्या होगा, कभी कभी आयोग की गलती होती है, वो उसको हटा दीजिए। लेकिन सामान्यता क्या होता है, सामान्यतः यही होता है ना कि हम जो है चार पांच साल से उसी स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हैं, ना ही नोट्स अपडेट कर रहे हैं, ना ही और चीजों को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ना ही एक कदम आगे बढ़ के सोच रहे हैं कि इसके आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर इसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा उसका क्या। कुछ नहीं, पांच साल से सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, पांच साल से सिर्फ दो किताब को पढ़े जा रहे हैं, उसको चटनी किए जा रहे हैं, उसके फैक्ट्स भी याद नहीं हो पा रहे हैं पूरा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे एक दो नहीं, ऐसे आप में से लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि वो एग्जामिनेशन के दिन फेल करने वाले हैं, जिनको पता है कि उनका स्कोर इतना नहीं है कि वो एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। बाद में भले एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, आयोग ने पेपर बदल दिया, क्वेश्चन आउट हो गया, हमारी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, हमारे पिताजी ने बहुत नहीं पैसे हम पे खर्च किए, ऐसे फलाने धमाके कई सारे की चीजें हो सकते हैं। लेकिन इसका एक तो इसका कोई फायदा नहीं है, फायदा इसलिए नहीं कि आप भी चार पांच साल के बाद खुद को दोष दोगे। अगर थोड़ी समझदारी हो जाएगी तो चार पांच साल के बाद आप भी दोष देंगे, अरे लगता है यहां गड़बड़ कर दिया, नहीं तो मेरा भी हो जाता। आप भी जब किसी को बोल रहे होंगे ना, आप ये नहीं बोलोगे मेरे टाइम में आयोग ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप उसको बोलोगे अरे थोड़ा सा और कर लेते ना, यहां पे गलती हो गई नहीं तो हो जाता। तो जो भी एग्जाम देने वाले हैं और जिनको भी लगता है कि हमको सही में कंपटीशन देना है, सक्सेस को छोड़ दीजिए ना, आप सामने वाले को एक सॉलिड कंपटीशन अगर देना चाहते हैं तो एटलीस्ट उतना तो तैयार हो जाइए। क्यों हवा में उड़ जाना चाहते हो, फूक मारा और उड़ गए तो ये करने की क्या जरूरत है। एटलीस्ट तब तो कम से कम
कम से कम इधर उधर घूम फिर के ही अपना टाइम स्पेंड कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट क्लियरिटी तो होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे तो फेल ही करने वाले हैं, तो दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी देर बैठ जाते हैं अंदर में, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं या मूवी देख रहे हैं ईयरफोन लगा के, क्या दिक्कत है। देखिए जब भी आप अब ये तो जो होता है इसको समझने के लिए मुझे इतना बोलना पड़ा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के का सामना किया हूं ना, इतने सारे कई सारे मैंने ऐसे हैं, सर प्लीज कुछ बता दीजिए कुछ बता दीजिए। मैं सबसे पहले पूछता हूं आपके पास है क्या पढ़ने के लिए, तो वही निकलता है जो नहीं होना, जो जिसके साथ और भी कुछ होना चाहिए तो वो है नहीं, जितने चाहिए उससे होगा नहीं, अब हम उसमें क्या बताएं। समस्या ये है कि अब उसमें क्या बताया जाए। तो आप जब भी पढ़ाई करें ना तो खुद को कभी सेटिस्फाइड नहीं होने दो, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आप ना क्या कहते उसको, आप ना संतुष्टि की तरफ चले जाते हैं, इतना कर लिया ना हो जाएगा, मैंने पहले ही सोच लिया इतना कर लिया, आयो उधर बैठ के क्या क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको भूल गए, इतना हो जाएगा, इतना कर लिया अब हो जाएगा। तो इस तरह से कभी इतना पूरा सेटिस्फाइड होना है कि हमने पढ़ रहे हैं वहां से सवाल आएगा, ये एक अलग चीज है, वो ये दिखाता है कि आप सही राय से पढ़ रहे हैं, आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। लेकिन ये कहना है कि बस अब यहां रुक जाते हैं, अब हो गया, अब यही रुक के इसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, ये गलत है। आपको रिवीजन करना है, ये एकदम मस्त है, लेकिन रिवीजन करते रहिए, आपने जितना फिक्स कर लिया उसको करते रहिए, और एक्स्ट्रा नया पढ़ाई भी साथ में करते रहो, उसको बढ़ाते रहिए। प्रीलिम्स है तो मेंस पे जाइए, मेंस है तो इंटरव्यू पे जाइए, मतलब आप अपने प्रोसेस, आप अपनी जो मतलब आगे की बढ़ने का जो रफ्तार है उसको कंटिन्यू रखिए, उसको नहीं कम होने देना है। और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, जब आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो पहले ही जो कांपने लगते हो, हाथ पैर कांपने लगता है कि किताबें कैसे पढ़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आप जिस एग्जाम, और आपको पता है, आपको भी पता है, समस्या इसी बात की कि आपको सब पता है, और आप मुझे जहां तक लगता है आप इससे रिलेट कर लेंगे खुद को, आपको पता है कि आपसे बेहतर कोई पढ़ रहा है, आपको पता है कि आपसे बेहतर रिसोर्सेस के साथ कोई पढ़ रहा है, आपको यह भी पता है कि आपसे बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर कंसंट्रेशन के साथ कोई पढ़ रहा है, यह आपको पता है, और आप नहीं कर रहे उस लेवल पे, यह भी आपको पता है। लेकिन जब रिजल्ट के बारे में इमेजिन करते हैं तो आप उसको पीछे छोड़ देते हैं और खुद को आगे कर लेते हैं कि हम तो निकाल ही लेंगे, ये कैसे होगा, नहीं होगा। एक नंबर भी आप गलत करोगे तो वहां पे कोई ऊपर वाला नंबर आपका नहीं बढ़ाने वाला है, इतना याद रखिए, नहीं तो एक नंबर से कोई फेल नहीं करता, सब 5-10 नंबर से फेल करते हैं, तो एक नंबर भी आपका कोई नहीं बढ़ाने वाला है, जितना है उतना है, ठीक है। तो आप जो आपसे बेहतर कर रहे हैं उस लेवल पे जब तक नहीं जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, और लेवल पे जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबों पे, लेवल पे जाने का मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्लानिंग, कंसंट्रेशन, फोकस, इंट्रैक्शन आपका कैसा है, सब कुछ मायने रखता है, सब कुछ मायने रखता है एक सफलता के पीछे। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तब जाके आप सक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले अपने लाइफ से झूठ बोलना हटा दो। किस तरह का झूठ, कि हमको सब आता है, नहीं आता है, हमको नहीं आता है। सब कैसे आ जाएगा, मुझे नहीं आता सब कुछ, क्लास में मैं बोलता हूं कि मुझे नहीं आता, कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो रैंडम मेरे पास नहीं है उसका जवाब, तो भाई नेक्स्ट क्लास में देंगे, ये तो बड़ा ही इंसान है ना, हम इंसान है तो ये संभव है। पढ़ाई के दौरान भी मैं क्लियर बोलता था ये तो मुझे पता नहीं है, कोई भी हो छोटा हो बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है यार। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए कि जो नहीं आता उसको एक्सेप्ट कीजिए, हमें नहीं आता है, क्योंकि जब तक मुंह से बोल के एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, कि इतने मैच्योर हो नहीं कि आपका दिमाग उसको समझ लेगा, क्योंकि इतने मैच्योरिटी होती तो फिर उस जगह पे ही नहीं होते आप वहां से ऊपर होते। तो सिंपल सी बात है, बोल के एक्सेप्ट कीजिए छोटे कि बड़ा मुझे ये नहीं आता है। जब ये बोलेंगे तो आपको चोट लगेगा, आपके दिल पे चोट लगेगी और आप उसको कंप्लीट करोगे। तो पहला बोलना शुरू कीजिए, जो नहीं आता वो नहीं आता, जो कम आता है वो कम आता है, हमसे कोई बेहतर है तो वो हमसे बेहतर है। किस मामले में बेहतर है, जिस भी मामले में आपको लगता है वो है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो हमसे बेहतर है, सिंपल सी बात। ये सब जब आप करने लगोगे तो आपका पढ़ाई भी इंप्रूव कर जाएगा, अचानक से इंप्रूव कर जाएगा।
यहां पे रटने रट सिर्फ रटने से और सिर्फ पढ़ने से आपके स्टैंडर्ड ऊपर नहीं उठेंगे, आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर कुछ चीजें बदलनी होंगी, जिसमें यह सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमको नहीं आता बोलना। मतलब क्लास के दौरान मुझे पता है कि उसको नहीं आ रहा है, क्लास के दौरान अभी भी मेरे क्लास के अंदर भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉपी पेस्ट कर देते हैं आंसर को, ये मैं समझ रहा हूं, ये मुझे भी समझ में आ रहा है, इवन दूसरे को भी आ रहा होगा जिसको जिसके साथ ऐसा होता होगा, समझ में आ रहा है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा भी देते हैं, लेकिन चीजें नहीं बदलती। जो कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, जो नहीं सुधरेंगे वो बार बार वहीं पे रहेंगे, और जो इंप्रूव कर जाएंगे, जो इंप्रूव कर रहे हैं वो इतनी तेजी से कर चुके हैं ना कि उनको अब जरूरत भी नहीं है मेरी, अब वो हो सकता है हम ही को पढ़ा दे, क्योंकि उन्होंने ले लिया जो लेना था, उनको एक्चुअली जो लेना था वो ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना की आदत डालनी होगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको जो आपकी सीमाएं हैं उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, जो आपने बंधन लाइन खींच रखा है कि ये चार हिस्ट्री के ज्योग्राफी के पॉलिटी के फैक्चुअल डाटा हम लेके याद कर लेंगे और हो जाएगा, इस तरह की चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको अपने दायरे को बढ़ाना होगा। आपको लगता है कि इस लेवल तक सवाल पूछ रहा है, अगर आपको लगता है कि लेवल टू तक सवाल पूछ रहा है, अपने आप को लेवल थ्री पे तैयार कीजिए, और आपने कर लिया तो फोर तक पहुंचिए, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के को आपको अपने सर्कल में लेना है, और आपको जब सर्कल में लेना है तो इसके स्टैंडर्ड से ऊपर के स्टैंडर्ड पे आप जाके इसको कवर करेंगे, तब जाके कहीं इसके लिए आप तैयार होंगे। तो ये जो है ना, सबसे जो गंदा आदत है डर के तैयारी करने का, इसको निकाल दीजिए। अच्छे अच्छों का बैंड बजा चुका है, अच्छे अच्छों का बैंड बजा चुका है, आपके सामने बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी होंगे जो बहुत धाकर होंगे, बहुत तगड़े होंगे आपके नजर में कि खूब बहुत मैं काफी टैलेंटेड सक्सेस, इसका कैसे नहीं हुआ, इसका कैसे नहीं हुआ, या इसका होना चाहिए था, इनकी तो इतने तेज है इनका क्यों नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, वो जो डर है ना कटअप वाला, वो डर हावी हो जाता है, ठीक है, वो डर हावी हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, कई सारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी में वो शख्स कमजोर हो सकता है जिसके कारण रिजल्ट ना आया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसीलिए आपको जो भी स्टैंडर्ड तय कर लिया उसको चारों तरफ से उस एग्जाम को कवर करने के लिए आपको अपने ऊपर अपने लेवल को जितना ऊपर लेके जाना है उतना ऊपर लेके जाइए, क्योंकि वहां पे भी आपको कोई ना कोई बैठा हुआ मिलेगा। आप बहुत तेज राइडर हैं, आप बहुत तेज बाइक ड्राइव करते हैं, आप गांव के अंदर बाइक ड्राइव करेंगे ना 50-60, तो कोई कहेगा अच्छा 50-60 पे ड्राइव कर लेते हो, पूछिए, क्योंकि 40-40 तक जाते हैं हालत खराब हो जाती है। लड़कों की नहीं बात कर रहा हूं, एक हमसे हमारे जनरेशन के पहले वाले जनरेशन में 40-50 तक जाते जाते बड़े आराम से बैठेंगे, आराम से बाइक जा रही है, कोई हड़बड़ी नहीं है, 20 किलोमीटर जाने में उनको एक घंटा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप जब छोटे टाउन में आएंगे तो आप अगर 60-70 पे चला रहे हो 80 पे तो आप आगे निकलोगे, लेकिन जब मेट्रो सिटी में चले जाएंगे दिल्ली जैसे शहर में, वहां पे अगर आप 120 पे भी बाइक चला रहे हो ना, तो हो सकता है पीछे से कोई हॉर्न मारता हुआ निकल जाएगा, हॉर्न मारता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि वो हॉर्न मार रहा है आपको साइड करने के लिए। तो आप इस सर्कल के ऊपर भी जब खड़े होंगे ना, जब आपको लगेगा कि इस दो नंबर पे तो हमको चाहिए था, हम चार पे आ चुके हैं, तब भी कोई पांचवें पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा होगा, आपको दिख जाएगा वहां। इसका मतलब जब वहां जाएंगे तो आपको और भी चीजें दिखने लगेंगी, और भी दिखने लगेगा कि अभी और भी है, लेकिन वहां पहुंचोगे तभी तो दिखेगा, नीचे बैठ के थोड़ी ना दिखेगा, नीचे बैठ के आपको स्पीड का अंदाजा भी नहीं होगा। मेरे बाइक पे मेरे एक अंकल बैठे हुए थे, ठीक है, उस समय मेरी गाड़ी की स्पीड 9500 के आसपास थी, तो उन्होंने बोला, रात का टाइम था, 9500 के आसपास गाड़ी की स्पीड थी, बाइक था, उन्होंने बोला कि गाड़ी तो लगता है कि बहुत तेज चला रहे थे, 60-65 पे चला रहे थे क्या, 60-65 पे चला रहे थे क्या, ये उन्होंने बोला। सुनने में बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लग रहा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 9500 पे अभी तक आज तक एक राइड भी नहीं किया, एक राइड नहीं किया। मेरा भाई एक कजन ब्रदर है, वो मेरे साथ बैठा, मैंने लगभग मुझे लगता है कि उस दिन 110 के ऊपर मेरी गाड़ी थी, 110 के ऊपर थी और काफी कट कर रहा था, मूड था चलाने का चला रहा था, वो शख्स वापस मेरी गाड़ी पे नहीं बैठा दोबारा लौटते समय, उसने दोबारा लौटते समय मेरी गाड़ी पे वो नहीं बैठा कि अरे बाप रे ये बहुत गंदा चलाता है, शिकायत वगैरह घर पे कर दिया कि लड़का तो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, नहीं बैठा।
और वो जो अंकल थे वो बोले तुम्हारी गाड़ी बहुत तेज चली, 60-65 भी चला रहे थे क्या, जबकि मेरी गाड़ी 95 के आसपास 100 के आसपास चल रही थी। आप उनको स्पीड का ही अंदाजा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं वो बैठे ही नहीं उस पे, उस स्पीड पे उन्होंने कभी राइड की ही नहीं है, उनके स्पीड का अंदाजा नहीं। इसी तरह से आप अगर दो नंबर लेवल टू पे है, आप 0.0.5 पे खेल रहे हो ना, तो किस स्टैंडर्ड पे आपको जाना है? आपको तो यह एहसास ही नहीं हुआ है आज तक, आपको इस बात का तो एहसास ही नहीं है कि आपको किस लेवल पे जाना है, समझिए इस बात को। तो जब आपको उस लेवल का ही अंदाजा नहीं, तो आप तैयारी करोगे कहां से? होगा ही नहीं आपसे तैयारी, होगा ही नहीं तैयारी आपसे। आप वहीं पे सेटिस्फाइड होंगे आप। और एक और बड़ा ही कॉमन सा बात होता है, बहुत ही कॉमन बात होता है ऐसे स्टूडेंट में जो बिलो स्टैंडर्ड खेलना चाहते हैं, यानी दो नंबर पे आपका डिमांड है, आप 0.5 पे हो, वो शख्स कभी भी तेज स्टूडेंट के साथ ही नहीं जाएगा, कभी ग्रुपिंग नहीं कर सकता, कभी डिस्कशन नहीं कर सकता वो, क्योंकि वहां डिस्कशन करेगा तो हर मौके पे, हर पॉइंट पे उसको बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, और जब झेलनी पड़ेगी तो उसको दुख होगा, तो वो या तो छोड़ देगा या बढ़ जाएगा, दो चीज होगा। तो अक्सरहा क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं, अक्सरहा छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप अगर बहुत तेज तरार स्टूडेंट के साथ है ना, उस ग्रुप में यदि आप सबसे कमजोर भी होंगे ना, उस ग्रुप में आप सबसे कमजोर भी होंगे, तो याद रखिएगा जो बहुत कमजोर स्टूडेंट है उससे बहुत ऊपर होंगे आप। तो वो शख्स क्या करता है कि उस स्टूडेंट का ग्रुप ही छोड़ देता है। ये भी बड़ा ही कॉमन सा सिम्टम है, कॉमन सा फीचर है, और आप भी, आप में से भी वैसे हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट के साथ वो डिस्कशन ही नहीं करना चाहेगा, उसके साथ अपनी बातें ही नहीं रखना चाहेगा, वो कहेगा ही नहीं कि मुझे नहीं आता है, वो छुपा लेगा और कंटिन्यू ये चीज चलता रहेगा। और एक और होता है, वो है कमेंट करने की आदत। तो उससे भी बचिएगा, कोई फायदा नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि आज से ही ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए और फेल करने के लिए पढ़ना छोड़ दीजिए, और जितनी बात मैंने बताया उससे अपने आप को रिलेट कीजिए। अगर रिलेट किसी का भी हो रहा है तो इसका मतलब गलत ट्रैक पे चल रहे हो, उसको ठीक करो, और नहीं करेंगे तो जो 6 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, या जब भी हो एग्जाम, या आगे आने वाले दिनों में एग्जाम जब भी होगा, तो रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि 4-5 साल से रिजल्ट वही आ रहा है। आप सोचिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, और पूछोगे कि भैया ठीक है प्रीलिम्स का तो मेंस तो दिए ही होगी, कौन सा किताब है? तो किताब अभी भी प्रीलिम्स वाली ही है, या तो उसने मेंस दिया नहीं, या वैसे ही जाके लिख के आ गया कुछ पढ़ के, उस समय टेम्पररी नोट्स होगा जो पढ़ के आ गया। अब तो उस तरह के स्टूडेंट के साथ अगर आप बड़े खुश हैं तो समझिए कि आप जो है ना गलत डायरेक्शन पे हो, गलत दिशा पे हो। तो ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसीलिए कभी भी फेल होने के लिए मत पढ़िए, नहीं पढ़िए वो चलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे, ऐसा नहीं खराब करेंगे आप, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, मत पढ़िए। और अगर लगता है कि नहीं हमको पढ़ के पास करना है, तो इस यथार्थ को समझिए कि कोई जो आपके ऊपर है वो पास करने के लिए वहां पर एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। उस बढ़ाने के लिए आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसको दिख रहा है उससे पूछो, जिसको दिख रहा है उससे पूछिए ना कि कैसे बढ़ेगा। तो वो स्टूडेंट जो हाल के दिनों में मुझसे कॉल पे बात भी किए, कुछ लोगों को मैंने बोला भी कि आपकी समस्या को मैं से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो जिन लोगों ने ऐसा कुछ कहा है तो वो उन लोगों के लिए भी ये है। और जिन लोगों को लगता है कि ऐसे करने से फायदा हो सकता है तो वो करके देखिए, क्योंकि फाइनली ऐसा तो है नहीं कि कोई मान लो कि यहां पे दाग है तो हमेशा टी शर्ट पहने रहेंगे, कोई दुनिया नहीं देखेगी, काम चल जाएगा, वो तो चल जाएगा, लेकिन वहां तो ये काम नहीं चलेगा, वहां तो एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ दिखना ही है, आज ना कल दिखेगा ही। तो बेहतर है कि बेहतर तैयारी करने के साथ आप आगे बढ़िए।